अभी मुझ में कही बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। क्या सर, क्या बात है सर, आप सर पढ़ाना छोड़ के ये क्या करते रहते। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप टू टाइप वन का हमने देखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है दो मैट्रिसेस का। जैसे 2x2 का होता है वैसे ही आपको 3x3 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जब आता है तो बच्चे गलती कर देते हैं, बराबर, और वो गलती ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ध्यान देना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में इसके ऊपर सवाल आएगा 4 मार्क के लिए, क्वेश्चन 4 में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे देना है, 4 मार्क के लिए सवाल आएगा। तो इफ ए इज इक्वल्स टू दिया है अपने को एक मैट्रिक्स 2x2 का, बी भी एक 2x2 का दिया है, इवेल्युएट ए भी। तो ये सवाल के थ्रू, इस सवाल का यूज करके मैं पूरा मल्टीप्लीकेशन बेसिक से पूरा स्ट्रांग कर दूंगा आपका, मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग, ठीक है। आप कभी नहीं बोलोगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, फिर 2x2 हो, 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बार समझ गए, बात खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले इफ इफ वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस ए इंटू बी करना है, बराबर, तो नंबर ऑफ रोज इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है अगर पहले के रो जितने हैं उतने ही दूसरे में कॉलम्स होने चाहिए। अच्छा सर, मतलब कैसे? इसके रो कितने हैं? पहला रो, दूसरा रो। इसके कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। रो मतलब हॉरिजेंटल, कॉलम मतलब वर्टिकल, बराबर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ए इंटू बी। अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, इसके दो कॉलम्स और इसके रोज एक ही होता या तीन होता, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मैट्रिसेस को, क्लियर। सबसे पहले है पॉइंट, तो सबसे पहले मैट्रिक्स आपको देखना है। कभी भी आपके सामने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले के रो और दूसरे के कॉलम इक्वल है के देखने, मतलब कितने को रो है, दो है, तो इसमें भी दो कॉलम होनी चाहिए, बराबर, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बराबर, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना था। और दूसरा पॉइंट ये पहला और दूसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑर्डर मतलब डायमेंशन, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए बी का ऑर्डर को ए इंटू बी, मतलब ए बी का क्या होगा ऑर्डर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इंटू नंबर ऑफ रोज इन बी, बराबर। मतलब यहां पर ए बी का ऑर्डर क्या होगा, यहां पर ए बी का ऑर्डर क्या होगा, इसके कॉलम्स इंटू इसके रोज। तो ये कितने बाय कितना है? 2x2 है, और ये भी 2x2 है। तो इसके कॉलम्स कितने हैं? 2, और इसके रोज कितने हैं? 2। इसलिए ये 2 और ये 2 उठाना है आपको, तो इसका ऑर्डर जो फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2x2, ये 2 और ये 2, यही आएगा, इसी साइज का ही मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आएगा, बराबर। ये दो रूल्स याद रखो, मतलब आपको पता होना चाहिए। पहला रूल तो कंपलसरी है, मल्टीप्लिकेशन तभी स्टार्ट करो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो कौन सी कंडीशन? ये नंबर, ये दो नंबर, ये वाला और ये वाला, कौन सा सर ठीक से लिखो, ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए,
तभी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन का, ये दोनों का आएगा, ठीक है बराबर। तो सर पता तो चल गया, हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब करते कैसे हैं मल्टीप्लिकेशन, ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ए दिया है, बी दिया है, तो हमको ए भी फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ए इंटू बी, ए की वैल्यू रख देता हूं। क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है सर 2, 1, 3 और 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है, -1, -2, 4, 5। अच्छा बराबर, तो पहले के रोज देखने हैं और दूसरे के कॉलम्स देखने हैं, बराबर। तो इसका रो नंबर 1 और इसका रो नंबर 2, इसके सिर्फ कॉलम्स, इसका एक कॉलम नंबर 1 और इसका कॉलम नंबर 2, C1 C2 मान लिया, बराबर। तो हमको क्या आएगा इसका, हमको लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ, बराबर। आपको ये मैट्रिक्स ध्यान में रखना है, R1 C1, पहला रो लो दोनों कॉलम के साथ, R1 के साथ C1, R1 के साथ C2, R1 के साथ C1 C2 लिया। फिर नीचे आना है R2 के साथ भी वही करना है, बात खत्म हो गई। क्या करना है, R1 C1, R1 C2, R2 C1, R2 C2, पहले R1 के साथ सारे कॉलम्स, फिर R2 के साथ सारे कॉलम्स, फिर अगर 3x3 होता R3 के साथ सारे कॉलम्स, क्लियर। R1 के साथ सारे कॉलम्स, C1 C2 जितने भी कॉलम्स, यहाँ पर दो ही है इसलिए 2x2 ही रिजल्ट आएगा, बराबर। R2 के साथ सारे कॉलम्स, फिर नीचे R3 होता तो R3 के साथ, तो सिंपल है, R1 के साथ सारे कॉलम्स, R2 के साथ सारे कॉलम्स, बात खत्म। ओके सर, याद आ गया, मतलब समझ आ गया। बस आपको करना क्या है, अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा, 4 एलिमेंट आएंगे, यहाँ इस तरीके से दिखेगा हमारा मैट्रिक्स। तो यहाँ का कौन सा है, सिर्फ R1 और C1 है ना, बराबर। तो हम कौन सा देखेंगे, सिर्फ R1 और सिर्फ C1, क्लियर। R1 हॉरिजॉन्टल होगा, रो है, कॉलम वर्टिकल होगा, ऑफकोर्स कॉलम है इसलिए, बात खत्म। सिर्फ R1 और C1 करेंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा यहाँ का। तो R1 इंटू C1 कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ, 2 × -1 + 1 × 4, सिंपल। पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, पहला मतलब एलिमेंट की बात कर रहा हूं, पहला एलिमेंट दूसरा इंटू दूसरा, बात खत्म। यही करना है R1 C1, सेम R1 C2 के लिए यही, सेम R2 C1 के लिए यही, हर बार यही करना है। 3 एलिमेंट होते हैं यहां पे तो भी मैं क्या करता, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा प्लस तीसरा इंटू तीसरा, तो सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको। और मैं आपको, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कैलसी में आता है, तो फाइनल आंसर आपको ऑलरेडी आपके पास मैट्रिक्स है फाइनल, बस आपको यहाँ पे बीच में एक स्टेप लिखना है, बराबर। तो आंसर की चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ओके सर, तो पहला इंटू पहला 2 × -1, थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, पहले पहला क्वेश्चन है इसलिए ये लिखने की इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं। 2 × -1 + 1 × 4, R1 C1 हो गया, अब R1 C2, अब मैं ये थोड़ा मिटाता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कौन सा लेंगे, C2 लेंगे, राइट, R1 और C2 करो, पहला इंटू पहला 2 × -2 + 1 × 5, सर समझ आ गया है हमें। अब क्या करेंगे, R2 C1, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटाना पड़ेगा, बराबर। ओके सर, R2 और C1 कहाँ पर, R2, ये R2 होगा और ये हमारा C1 होगा, बराबर। करो फिर से, पहला इंटू पहला 3 × -1 + दूसरा इंटू 4 × 4, ओके सर समझ आ गया। अब R2 के साथ अब क्या है, C2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, C2 लेते हैं ना,
क्लियर। आर टू सी टू थ्री इंटू पहला इंटू पहला मतलब थ्री इंटू माइनस टू प्लस फोर इंटू फाइव, बात खत्म। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये आ गई तो आगे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, समझ गए। अगला स्टेप क्या होगा फिर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो अभी ए बी की वैल्यू, डायरेक्टली ए बी की वैल्यू लिख सकते हो। ए बी इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस फोर, ये आएगा टू, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस फाइव, फाइव माइनस फोर मतलब वन हो गया। उसके बाद माइनस थ्री, फोर इंटू फोर सिक्सटीन माइनस थ्री थर्टीन आ गया, माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस सिक्स मतलब ये फोर्टीन आ गया। क्लियर, यही फाइनल आंसर है। ये स्टेप सबको आता है, ये स्टेप आना चाहिए, क्लियर। और ये डायरेक्टली कैल्सियम में डाल सकते हो आप, ये इतना कैल्सियम आप डायरेक्टली डाल सकते हो कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताने वाला हूँ, कैलकुलेटर की जो सीरीज है साइंटिफिक कैलकुलेटर की आपको फॉलो करनी है, ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे। क्लियर, तो आई होप सबको समझ में आ गया है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जो टू बाई टू के लिए किया है वही थ्री बाई थ्री के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे बस तीन रोज और तीन कॉलम्स, नौ एलिमेंट आएंगे, लेकिन करना कंसेप्ट यही है, कोई अलग नहीं है, मैंने पहले भी बोला है नौ एलिमेंट आएंगे थ्री बाई थ्री के लिए, ठीक है। तो थ्री बाई थ्री हो या फिर अलग भी कुछ हो सकता है, यहाँ पे अगर टू बाई टू होगा तो यहाँ पे टू बाई थ्री भी हो सकता है, यहाँ पे टू बाई थ्री, यहाँ पे थ्री बाई टू, कुछ भी हो सकता है, करना तो आपको यही है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो फिर भी कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन प्रेस करें, शेयर कीजिए वीडियो, और करते हैं अगला सवाल।